नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण मध्य प्रदेश सरकार का एक संगठन है। प्राधिकरण का गठन नर्मदा बेसिन में सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए किया गया। परियोजना का मुख्य उद्देश्य खरगोन जिले के ग्राम बलवाड़ा के कृषकों को सिंचाई सुविधा प्रदान करना है। इस परियोजना से खरगोन जिले में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा। परियोजना के लिए नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्त लिंक योजना के अंतर्गत ग्राम गवालू में निर्मित बीपीटी 1 से 1.25 क्यूमेक जल को 1 मीटर व्यास के एमएस पाइप के द्वारा लाकर खरगोन जिले के बड़वाह तहसील में स्थित ग्राम बलवाड़ा में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा दी जाएगी। बीपीटी 1 से 2.4 किलोमीटर दूरी पर ग्रेविटी मेन पाइपलाइन दो भागों में विभाजित हो जाएगी। एक भाग बाई तट पाइप नहर प्रणाली और दूसरा भाग दाई तट पाइप नहर प्रणाली कहलाता है। बाई तट मुख्य पाइपलाइन की कुल लंबाई 7 किलोमीटर एवं दाई तट मुख्य पाइप नहर की लंबाई 14 किलोमीटर है। बाई तट मुख्य पाइपलाइन से 900 हेक्टेयर में एवं दाई तट मुख्य पाइपलाइन से 4100 हेक्टेयर में ड्रिप स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई के लिए कमांड के कृषकों को वितरण प्रणाली के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा। इस परियोजना का निर्माण कार्य टर्न की के आधार पर मेसर्स एनएक्स इनोवेटिव जयपुर एवं लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग कोल्हापुर जेवी को आवंटित किया गया है। योजना के मुख्य घटकों में नियंत्रण कक्ष, ग्रेविटी पाइपलाइन इत्यादि शामिल है। योजना से खरगोन जिले की बड़वाह तहसील के 34 गांवों में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जाएगा। विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा पूरे कमांड क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण कर वितरण प्रणाली के नेटवर्क में KY पाइप सॉफ्टवेयर का उपयोग कर 2.5 हेक्टेयर तक के सभी चक्स में निर्धारित दबाव एवं मात्रा से सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जाएगा। कमांड क्षेत्र के कृषकों द्वारा उनकी मांग के आधार पर कंट्रोल रूम से विभिन्न चक्स में पानी प्रदान किया जाएगा। इस हेतु बेहतरीन वाटर मैनेजमेंट प्रणाली का उपयोग किया गया है। एयर मैनेजमेंट प्रणाली वर्तमान में उपलब्ध सबसे अच्छी ARI प्रणाली द्वारा डिजाइन किए गए विभिन्न पाइपलाइनों में पानी प्रवाहित बंद करने के समय उत्पन्न होने वाली एयर गैप्स के कारण पाइपलाइन की क्षति को रोका जाएगा। विभिन्न स्थानों पर होने वाली लीकेज की पहचान के लिए नियमित अंतराल पर एयर मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली का उपयोग कर जो कि स्मार्ट सॉल्यूशन से लैस है, योजना के समस्या रहित संचालन हेतु इसकी लगातार स्काडा पद्धति के द्वारा निगरानी रखी जाएगी। कंट्रोल वेल परियोजना में हाइड्रोलिक स्थितियों में उतार चढ़ाव के कारण वितरण प्रणाली में स्थिर दबाव से पानी प्रवाहित करने के लिए आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्थानों पर सी वेल्व्स लगाकर संपूर्ण सिस्टम में सर्ज को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। स्काडा प्रणाली वितरण प्रणाली के सभी पाइपलाइन नेटवर्क के विभिन्न हिस्सों को स्काडा पद्धति द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इस प्रणाली में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर लाइव अपडेट्स मिलेंगे। योजना के विभिन्न पंप हाउसों पर संचालित हो रहे पंपों की संपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध होगी। पूरी व्यवस्था को क्लाउड कंप्यूटिंग प्रणाली एवं वायरलेस कम्युनिकेशन व्यवस्था के द्वारा रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रणाली द्वारा पानी की चोरी, पाइप लीकेज एवं पूरी व्यवस्था में आने वाली किसी भी खराबी को सुधारने के लिए तुरंत फैसला लिया जा सकता है। प्रणाली से SMS अलर्ट नोटिफिकेशन प्राप्त कर प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। इसके कारण जल के अनावश्यक व्यय में कमी होगी और योजना को चलाने की लागत भी कम आएगी। बेहतरीन आधुनिक तकनीक के माध्यम से नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण बाधा रहित प्रणाली को संचालित कर कमांड में कृषकों को निर्धारित मात्रा में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्प है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य कमांड के कृषकों को पर्याप्त मात्रा में
सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाकर कृषकों का सामाजिक आर्थिक उत्थान करना है। 2.5 हेक्टेयर से नीचे प्रत्येक कृषक को पानी उपलब्ध कराने के लिए जल उपभोक्ता संस्था का निर्वाचन किया जाएगा। साथ ही विभिन्न फसलों में निर्धारित मात्रा में पानी का उपयोग कर अधिकतम फसल प्राप्त करने के लिए मौसमी फसलों की जानकारी देकर कमांड में उपलब्ध मिट्टी के गुणों, वातावरण की स्थितियों को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर कृषक बाजार बनाकर और कृषकों को अच्छी गुणवत्ता वाली फसल लगाने के लिए समय समय पर ट्रेनिंग देकर उनकी मदद की जाएगी। कृषकों की फसलों के पैदावार की खरीद के लिए विभिन्न स्थानों पर सहकारी संस्थाओं के साथ मिलकर आवश्यकता अनुसार मेगा फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे। इससे उत्पादकों को स्थानीय बाजारों की सुविधा, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री एवं अन्य सहायक उद्योग स्थापित करने में मदद मिलेगी, जिससे कृषक सशक्त होगा एवं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।